अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शिक्षक संघ सोलन इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में उपायुक्त सोलन केसी चमन से मिला। साथ ही शिक्षा और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी उपायुक्त हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शिक्षक संघ की सोलन जिला इकाई का प्रतिनिधि मंडल प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को उपायुक्त सोलन केसी चमन से मिला। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र भी उपायुक्त को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में सातवें वेतनमान को पूरे देश में एक समान यथाशीघ्र लागू करना, इन वेतनमानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 50% अनुदान की बजाय पूर्व में दिया जा रहा 80% अनुदान बहाल किया जाए। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु एक समान 65 वर्ष की जाए। वहीं नई पेंशन योजना को समाप्त कर 2004 से पूर्व की पेंशन योजना को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि देश भर में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में UGC की सिफारिशों के अनुरूप नियुक्तियां केवल नियमित आधार पर ही की जाए। हिमाचल प्रदेश में 2014 से बंद की गई MPhil और PhD धारक अध्यापकों की अग्रिम वेतन वृद्धि भी बहाल की जाए। मुख्य मांग है कि सातवां वेतन आयोग शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए और अध्यापकों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो एक समान पूरे देश भर में 65 वर्ष रखी जाए। भर्तियां जो भविष्य में की जानी चाहिए वो सब की सब रेगुलर बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट भर्ती नहीं होनी चाहिए। सब जो सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने इसमें 50% अनुदान देने का अनुमोदन किया है वो 80% किया जाना चाहिए, जो पहले जैसे होता आया है। और हमारी जितनी भी MPhil और PhD की जो इंक्रीमेंट 2014 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने रोकी थी वो इंक्रीमेंट बहाल की जाए। प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से इस मांग पत्र को प्रधानमंत्री, मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक शीघ्र पहुंचाने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।